हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मुझे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की और बहुत अच्छा सपोर्ट आया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं एक कमेंट्री के साथ भी वीडियो बनाऊं। तो इसलिए आज मैं आपके साथ हाजिर हूं ये गेम प्ले के साथ, WWE 2K19, जिसमें हम यूनिवर्स मोड खेलेंगे और कमेंट्री के साथ खेलेंगे। तो लिहाजा गाइस, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो चैनल पे। तो चलते हैं, और मैं जैसे कि आप लोगों को बता दूं, पिछली वीडियो में हमने रा जो है कंप्लीट कर लिया था, रा का शो जो है, और अब हम स्मैकडाउन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं वहाँ पे कैसे कैसे मैचेस हमें मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यू शो शुरू हो चुका है स्मैकडाउन, और उसका ही इंट्रो है। तो देखते हैं अब हमें इधर किस तरह के मैचेस मिलते हैं। हम जो जो मुझे पसंद मैच आएगा या जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं खेलूँगा, बाकी हम जो है वो सिमुलेट कर देंगे। तो देखते हैं कौन सा मैच हमें अच्छा मिलता है। For what the SmackDown Live general manager has in store for us tonight. Looking at tonight's card, we really do. तो देखिए गाइस, पहला मैच जो है वो नॉर्मल मैच है, वन ऑन वन का, लेकिन वो जो है वो फीमेल मैच है शायद। तो ये हम शायद सिमुलेट कर दें। और जो सेकंड मैच है फैटल फोर वे, जिसमें जेफ हार्डी है और सिन कारा है, ये हम शायद आज के मैच आज की वीडियो में करेंगे। तो इसको हम सिमुलेट कर देते हैं। तो गाइस, फैटल फोर वे नॉर्मल मैच ही हम खेलेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं जो हूँ, जो मैं मुझे सिन कारा बहुत पसंद है उनमें से। वैसे तो जेफ हार्डी बहुत अच्छा है, लेकिन सिन कारा मुझे जो है वो बहुत पसंद है। तो मैं तो वो सिलेक्ट करूंगा, उसको ही लेकर खेलूंगा। तो गाइस, देखते हैं पहला प्लेयर कौन आ रहा है। हम इंट्रो पूरा नहीं देखेंगे, हम थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा दूंगा। और ये जेफ हार्डी आ रहा है गाइस, जेफ हार्डी की एंट्री हो रही है। The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Cameron, North Carolina, weighing in at 225 pounds, Jeff. चलो गाइस, स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट सुपरस्टार देखते हैं कौन आ रहा है। परफेक्ट 10। नेक्स्ट प्लेयर गाइस, परफेक्ट 10 आ रहा है। ओह, 10 10 10। इस प्लेयर का मुझे खास इतना पता नहीं है, स्किप करते हैं इसको भी। आर्थ्रू था ये। भाई इसने तो पूरा गाना शुरू कर दिया था। भाई इसके अनाउंसमेंट भी निकाला है, लगता है खुद ही अनाउंसमेंट काट रहा है अपनी।
चलो गाइस स्किप भी करते थे इसको, ये तो ऐसे मुझे लगता है गाता गाता ही अंदर आएगा। और ये अब आ रहा है हमारा प्लेयर जो है सिंकाड़ा, सिंकाड़ा आ रहा है। और देखा जाए तो जेफ हार्डी जो है प्लेयर वो इससे बेहतर है, लेकिन जो मुझे है ये सिंकाड़ा फेवरेट है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया और हम इसी को जिताएंगे। देखते हैं कि क्या होता है। फैटल फोर वे मैच है और ये बहुत मुश्किल होता है, किसी एक को आपने पिन करना होता है और बाकी आपको रोकेंगे इसमें। और ये हमने सिलेक्ट किया है, किसको टारगेट किया है। The perfect 10, Ty Dillinger is more than just a name and number. He's a great technical wrestler with over 15 years experience. I don't care how many wins and big matches he's had. I can't stand with the submission in the ring. Abhi wo kahan with the submission in the hota hai. Oh man, right to the arm. Bhai reversal karte hain. Humne bhi reversal kiya aur ye अबे किधर मार रहा है, हवा में मार रहा है यार। उधर आर्थर रुक जाए, वो जेफ हार्डी को मार रहा है, बहुत फुट लग रही है। रिवर्सल हो गया। मुझे सिंकाड़ा की जो है वो मूव्स बहुत पसंद है, जो इसके मूव्स है वो बहुत अच्छी लगते हैं। तो इसमें पीछे भी ध्यान रखना पड़ेगा, किस वक्त भी दूसरा प्लेयर आके आपको मार सकता है। ये देख, जैसे इसमें टारगेट फौरन चेंज कर लिया, मैं आगे देख रहा था उसको। ये मुझे लगता है इसको मार के पिन करना चाह रहा है। हाँ भाई, ओ भाई सबर कर ले, सबर कर ले, माना कि तू सबसे बेस्ट प्लेयर है इस मैच में। ठंड रख थोड़ी, मैं जो हूँ इसी को अभी सिलेक्ट करके इसी को टारगेट करूँगा, ताकि इसको हम जितना डैमेज दे सकते हैं दे और फिर इसको पिन कर दें। सिग्नेचर नहीं आया अभी तक हमारे पास, पता नहीं मैंने वेस्ट तो नहीं कर दिया। भाई इसके पास फिनिशर है, इससे बच के रहना पड़ेगा। लगाने लगा मुझे लगता है फिनिशर, वो भाई रिवर्सल कर दिया फिनिशर। टाइका जो है फिनिशर हमने रिवर्सल किया है और हमें सिग्नेचर मिल गया, और ये हमने सिग्नेचर भी लगा दिया, अब फिनिशर लगाएंगे इसको। और ये लगा दिया फिनिशर, अभी वैसे अच्छा मौका है, वो दोनों बाहर हैं। ये रिप्ले चेक करते हैं, तो इसको पिन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी वो दोनों बाहर हैं, शायद हो जाए। फौरन अंदर आया, उसको छोड़ के अंदर आया वो पिन देख करने के लिए। अरे भाई होने दे, क्या शुक्रिया शुक्रिया ट्रुथ, बहुत शुक्रिया आपका। आर ट्रुथ की यार अभी He's making a statement here with this attack. We may very well be seeing the finisher blow. R-Truth. भाई एक टारगेट सेलेक्ट कर लो कोई। अबे दोनों मेरे पीछे लग गया यार, भाई जाओ भाई भाई भाई। अबे दोनों मेरे पीछे आ रहे हैं। अभी R-Truth की हेल्थ जो है अच्छी खासी है, सबसे ज़्यादा तो मेरी है सिंकाड़ा की। Surprise reversal from Jeff Hardy. I'm with Corey. I suspect the finisher is on the horizon, and given how impactful that move has been as of late, I'd say there's almost no coming back from it. Right, Michael, it seems like that finisher is becoming more and more impactful with each passing week.
but that's even possible. Yeah, he's a guy who could turn up the volume whenever he has to. With a point of the elbow right in the nose. Jeez. भाई इसको पहले नीचे फेंको, ये फिर मुझे मारने आ रहा पीछे। देखो भाई आपका भाई अकेला ही मेन में खड़ा है और बाकी सारे लोग हैं। ओ भाई रिवर्सल। भाई टाई ने जो है मेरा माइनस में कर दिया मोमेंटम। भाई क्या कर रहा है, कभी बाहर फेंक रहा है कभी अंदर लेके आ। भाई रिवर्सल हो गया हो गया हो गया हो गया। भाई बाहर चला गया, मुझे इसको टारगेट करना चाहिए क्योंकि आर्थ्रूथ पहले ही नीचे डाउन हुआ हुआ। लो ये खुद ही बाहर चला गया। भाई आर्थ्रूथ को पिन करके देखते हैं कि अभी तो नहीं करेगा, मुझे पता था उसके पास फिनिशर भी है वैसे। तू आ जा बेटा। फिनिशर लगा दिया यार आर्थ्रूथ ने और ये मुझे डर है कि ये कर दे। ओ भाई था थ्री पे बचा लिया यार, कोई बचाने भी नहीं आया पीछे। मैं ये तो मैच खत्म होने वाला था, बस मैं हारने लगा था। सिग्नेचर है मेरे पास, एक दफ़ा बस मैं रिवर्सल कर दूँ फिर इसको मैंने छोड़ दिया। अभी फिलहाल नीचे ही रहते हैं, अपना मोमेंटम ठीक कर ले। और जेफ हार्डी लंबा ही डाउन हुआ है लगता है। तू फायदा उठाता है, हम ना फायदा उठा रहे। अबे ये पिन कर रहा है, पिन कर रहा है, पिन कर रहा है, कैसे कर रहा है पिन तू? हाँ भाई स्टैंड जो है सबकी जो है हेल्थ कम है, तो अब जो फिनिशर लगा देगा किसी को वो जीतने के चांसेस उसके साथ आ गए। अरे भाई इसने रिवर्सल कर दिया मेरा, ये इसको हम सिग्नेचर लगा देते ताकि इसका सबमिशन है यार सिग्नेचर में। अरे भाई मैंने कहा था उसको बाहर फेंक दो। बेटे बाहर आ था, अभी मैं माइनस में जा रहा हूँ। ये अपना सबसे पुराना टारगेट है, मैच जब शुरू हुआ था इसी को टारगेट किया था। वहाँ पे सर हार दिया लगता है जेफ हार्डी का, आर्थ्रूथ ने जेफ हार्डी का सर फाड़ दिया और वो रिंग में ले आया इसको पिन करने के लिए। लेकिन हम इसको छोड़ेंगे तो ये पिन करेगा और ये हमने फिनिशर लगा दिया इसको। बहुत अच्छा मौका है, दोनों डाउन है और मैंने फिनिशर इसको लगा दिया ताकि मैं इसको पिन कर सकूं। वो मुझे लग रहा है ये हम मैच जीत जाएंगे। 1 2 3 गाइस बहुत बहुत ये बहुत अच्छा मौका था, मैंने दोनों डाउन थे और वो मेरे हाथ आ गया, मैंने उसको फिनिशर लगा दिया। उसकी हेल्थ पहले भी बहुत कम थी तो बहुत अच्छा मैच गया है। आसान नहीं था लेकिन हमें मौका मिला, हमने फिनिश लगा के इस मैच को मुकम्मल कंप्लीट किया और विन ले लिया। ये थे गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियोस
कमेंट्री के साथ लेके आ सकूँ ताकि आपको और भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।